निर्घी सहसरी विभिन्न विभागा भयव रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। मुनिगति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीने सन्माना सहित सहाय जाहु मम हेतु चलेऊ हर्षि हिये जलचर केतु। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृसानु बढ़ाव निहारी ब्रह्मादिक सुरनरी नवीना सकल असमर सर कला कला प्रवीण। नमस्कार दोस्त, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी ने जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो अब रामचरितमानस का पढ़ने का उद्देश्य वही मेरा पुराना है, और चाहती हूँ कि इसमें आप लोग मेरा सहयोग करें ताकि मैं उस उद्देश्य में को पूर्ण कर पाऊँ। और ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। मंदिर की वो वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, अच्छा लगता है वो भी बताएं, उसमें कोई कमियां दिखती हैं वो भी बताएं, तो मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगी। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही जल उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, हे कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मौनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न ले ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं और जो सबके सब उसका काम कला में निपुण थी वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के
मायाजाल किए। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी, तभी तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत सी आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य और उन्होंने मुनि की लड़ाई बढ़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उन्होंने उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यदि भी शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह शिक्षा अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। कौतुक मतलब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे जो वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीरसागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर जाकर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वे मोहित ना कर सकें। भगवान भूखा मुँह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्यवत में तत्पर और बड़े शीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा और कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा शरण प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरी माया के ने रास्ते में 100 योजन चारकोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह
शिवांग समूह मतलब टुकड़ियाँ थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनने पर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोषों को कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल भी मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, सियामति रामचंद्र जी की जय। हैप्पी नवरात्रि, नौ देवियों की, नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।